आगामी 20 तारीख को होने वाले चुनाव में प्रत्येक मतदान को पैरा मिलिट्री फोर्स से युक्त किया जा रहा है, अर्थात कोई भी ऐसा बूथ नहीं होगा जहां पे पैरा मिलिट्री फोर्स नहीं होगा। इसके अलावा विभिन्न जनपदों से आया हुआ पुलिस बल भी प्रत्येक मतदान केंद्र पे लगाया जा रहा है। जनपद का कोई पुलिस बल मतदान केंद्र पर नहीं होगा। इसके लिए हमको 29 कंपनी पैरा मिलिट्री फोर्स और 4 कंपनी पीएसी मिली हुई है। इतना ही नहीं, चुनाव में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए विभिन्न थानों पे लगातार हमारी क्यूआरटी और क्लस्टर मोबाइल्स भ्रमणशील रहेंगी। और अभी तक तमाम व्यक्तियों को जो चिन्हित किया गया है, जनपद में 1,27,00,000 रुपए के अवैध मादक द्रव्य बरामद किए गए हैं। साथ ही लगभग 25,000 लोगों को बाउंड डाउन कराया गया है। सर्वाधिक अवैध शस्त्र यहां से बरामद किया गया है। आज विभिन्न कार्रवाइयां किया गया है और हम निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए कटिबद्ध हैं और निश्चित रूप से हम अपने इस मिशन में जो आयोग के निर्देश हैं हम कामयाब। सर, जनपद में कुछ अपराधियों को जिला बता दीजिए। बिल्कुल, हमने करीब 55 लोगों के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई किया है और ऐसे ही 41 लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। मिनी गुंडा एक्ट 350 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आदि विभिन्न कार्रवाइयां की गई हैं और जिसके कारण यहां की शुचिता और पवित्रता पे कोई आंच न आने पावे, इसके लिए प्रबंध किया गया है। जनपद हमीरपुर में, हमीरपुर विधानसभा में 9 और राठ विधानसभा में 8 कैंडिडेट हैं। जो बैलेट यूनिट होगी उसमें हमीरपुर में 10 बटन होंगे और राठ में 9 बटन होंगे। 10वां और 9वां बटन नोटा का होता है। सर, कितने मतदाता जो है मताधिकार का प्रयोग करेंगे? लगभग 8,00,000 के आसपास मतदाता इसमें अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हम लोगों का प्रयास है कि 100% मतदान हो और मैं सबसे अपील भी करता हूं, आप लोगों के माध्यम से भी अपील करता हूं कि जितने भी मतदाता हैं 20 तारीख को बूथों पर आवे। हमने मतदाताओं की सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखा है, वहां उनके लिए छाया, पानी, रैंप इत्यादि की व्यवस्था की है। सब लोग आवे और अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। देखिए, जनपद हमीरपुर में कुल 2 विधानसभाएं हैं, 228 हमीरपुर और 229 राठ। इन दोनों विधानसभाओं में कुल 972 मतदेय स्थल अर्थात बूथ हैं और इन समस्त बूथों पर 19 तारीख को पोलिंग पार्टी पहुंच जाएंगी और 20 को पूरी तरह से निष्पक्ष, भयमुक्त और शांतिपूर्ण निर्वाचन संपन्न कराने की हम लोगों की पूरी तैयारी हो गई है। सारे बूथों पर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मानक के अनुरूप पोलिंग के कर्मचारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट, वीडियो कैमरा, माइक्रो ऑब्जर्वर, वेबकास्टिंग और ऊपर से जो नियंत्रण कक्ष की व्यवस्था, हमारे आरओ साहबान का कार्य, उस सब की पूरी तैयारी हो गई है। और माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जो प्रेक्षकगण आए हैं उनके मार्गदर्शन में हम लोग निर्वाचन कार्य सफल, बहुत ही शांतिपूर्वक संपन्न कराने में तैयार है।